माई डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन माई वीडियो लेक्चर सेशन। माई नेम इज आशीष कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन मास्कॉम डिपार्टमेंट इन बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था साउंड पे। जो लास्ट मॉड्यूल हमारा चल रहा है वो साउंड सेक्शन का चल रहा है। पिछले सेशन में हमने तमाम साउंड के बारे में इंफॉर्मेशंस हमने शेयर किया था आप लोगों के साथ। साउंड क्रिएट कैसे होता है, साउंड की क्वालिटीज़ क्या होता है, साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, साउंड कैसे उसके जो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसीज है वो कैसे काम करता है। साथ ही इसके साथ डॉपलर इफ़ेक्ट पर भी हमने बात किया था। फिर डॉपलर गन है वो कैसे फंक्शनिंग करता है उस पर बात किया था। फिर उसके साथ ही हमने बात किया था आपके साथ कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आज इस वीडियो लेक्चर्स में वही हाउ मैनी टाइप्स यानी माइक्रोफोन के कितने टाइप है इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने जो डायनेमिक माइक्रोफोन की चर्चा किए थे, उसके स्ट्रक्चर्स, उसकी बनावट, उसके फंक्शन, उसकी क्वालिटीज़, उसके सिग्निफिकेंट को लेकर हमने बात की थी कि डायनेमिक माइक्रोफोन का वर्क फंक्शंस कैसा है, वो कैसे साउंड को साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके साथ ही उसके जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर्स कितने कैसे हैं इन पर भी बात किया था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो की तरह मैं अपने कोर्स का थोड़ा सा आप लोग के सामने में ब्रीफ करता हूं, तो चलिए हम सबसे पहले कोर्स को ब्रीफ करते हैं कि हमारा कोर्स क्या है और इस कोर्स में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपका कोर्स है वो कोर्स का नाम है BJMC। कोर्स कोड है BJMC 4301। सेमेस्टर है 2020 और 2011। इसके साथ ही टेलीविज़न प्रोडक्शंस एंड जर्नलिज्म जो है हमारा सब्जेक्ट है। फैकल्टी नाम आप हमारा ऊपर में भी स्क्रॉलिंग हो रहा है, वैसे मेरा नाम आशीष कुमार है। इसके साथ ही हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 7991135753 है। हमारा ईमेल आईडी जो है aashishkumarjohar@gmail.com है। अब इसको सब्जेक्ट का यानी टेलीविज़न प्रोडक्शन एंड जर्नलिज्म के सिलेबस क्या है, इसका मतलब हमें इसके सिलेबस को पहले देखते हैं। इस सिलेबस को ध्यान से देखिए तो इस सिलेबस को चार भागों में डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल थर्ड एंड मॉड्यूल फोर्थ। मॉड्यूल फर्स्ट में जो हम लोगों को स्टडी करना है वो कैमरा है। जैसा कि पिछले भी वीडियो लेक्चर्स में हमने इस बात पर आपको बताया था कि कैमरा में कैमरा के टाइप्स ऑफ कैमरा, कैमरा के इक्विपमेंट, कैमरा के मूवमेंट, कैमरा के बॉडी पार्ट्स कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इस पर शटर स्पीड, अपर्चर्स पर भी हम लोगों ने बात किया था। और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, हमारे वीडियो पिछले वीडियो लेक्चर्स को आप देखिए, देखने के बाद आप वन बाई वन अगर फॉलो करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आप सब्जेक्ट को बीच से अगर आप लेक्चर्स को सुनते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसी पैटर्न पर भी सिलेबस को भी तैयार किया गया है। तो टेलीविज़न जर्नलिज्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कैमरा, क्योंकि कैमरा एक ऐसा पार्ट है, अगर कैमरा नहीं है तो टेलीविज़न का जो वर्ल्ड है वो पूरा अधूरा है। हम कोई मतलब कैमरा नहीं तो टेलीविज़न नहीं है, इसलिए कैमरा जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसलिए कैमरे की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स, उसके शॉट्स, उसके एंगल जानना ज़रूरी होता है, उसके मूवमेंट, उसकी इक्विपमेंट, ये सारी तमाम जानकारियाँ जो है इस सिलेबस के थ्रू हमें मिल जाती है। दूसरा जो है विजुअलाइजेशन, यानी कैमरा स्टडी जब आप करते हैं तब उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को विजुअलाइज कैसे करें ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो विजुअलाइजेशंस का करने के लिए हमें उसके जो प्रिंसिपल है, उसके एलिमेंट है विजुअल कम्युनिकेशंस को, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कैमरा का तो लाइट्स है, लाइट्स के अपने इम्पॉर्टेंट्स, अपने स्टूल टेक्निक हैं, और इसी के जो मदद से आप जो सारा मतलब
जो इन्फॉर्मेशंस हैं, आप वो लाइट का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है उसको हम समझ सकते हैं। तो हमारा सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही टेक्निकली डिज़ाइन किया गया है बीबीटी का सिलेबस। इसके बाद जो हमें स्टडी करना है वो साउंड है, साउंड का स्टडीज़ जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर साउंड नहीं है तो तस्वीरें बेजान है, इमोशन नहीं है कोई, अगर तस्वीरों में अगर आवाज़ नहीं है तो वो तस्वीर का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसलिए हमें साउंड को भी बहुत अच्छे से स्टडी करना है ताकि हम उस सारी इन्फॉर्मेशंस को, सारी छोटी छोटी बारीकियों की जो उसके टूल टेक्निक है साउंड को, उसको समझ सके। अब आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इस सब्जेक्ट्स को जो का मकसद क्या है, इस सब्जेक्ट का पढ़ने का मकसद क्या है, स्टडी करने का मकसद क्या है। टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो कैमरा शॉट्स, मूवमेंट, माउंट, एंगल्स, कंपोजिशन अलोंग विद द बेसिक ऑपरेशन फंक्शन ऑफ वीडियो कैमरा। टू डिस्क्राइब ए टेक्निक्स ऑफ लाइटिंग फॉर वीडियो प्रोडक्शन। टू डिस्क्राइब द मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग ऑफ साउंड इन वीडियो प्रोडक्शंस। तो इस कोर्स का मकसद यही है, वीडियो प्रोडक्शन का स्टडी करना, ऑडियो वीडियो मिक्सिंग का, प्रोडक्शंस प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शंस में कैसे यूज़ किए जाते हैं उसका, साथ ही कैमरा के इक्विपमेंट और कैमरा के मूवमेंट, शॉट्स, एंगल, कंपोजिशन, सारी चीज़ों का स्टडी करना है। इसके बाद आता है लर्निंग आउटकम, यानी इसके स्टडी करने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे, ये लर्निंग आउटकम में आता है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो कैमरा इट पार्ट्स एंड फंक्शन, टू वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट्स, कैमरा एंगल एंड कैमरा मूवमेंट एंड कंपोजिशन, टू अप्लाई द टेक्निक एंड यूज़ ऑफ लाइटिंग, टू यूज़ डिफरेंट लाइटिंग टूल, डिफ्यूज़र, रिफ्लेक्टर, कटर्स एंड जेल, टू अप्लाई द बेसिक ऑफ ऑडियो इन वीडियो प्रोग्राम, टू अंडरस्टैंड वेरियस ऑडियो एलिमेंट यूज इन वीडियो ब्रॉडकास्ट, टू यूज ऑडियो मिक्सर फॉर रेडियो एडिटिंग ऑफ साउंड। यानी इसको स्टडी करने के बाद हम कैमरा के जो टूल टेक्निक है उसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके साथ ही कैमरा के मूवमेंट, एंगल, कंपोजिशन, ये तमाम जो जानकारियाँ हैं हमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसके साथ ही हमें लाइट के टूल टेक्निक्स यूज़ भी हम जानकारियाँ मिलेंगी। इसके बाद जो प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन से जो प्रोडक्शंस के स्टेप है और उसमें जो वीडियो ऑडियो वीडियोस के क्या इम्पोर्टेंट रोल होते हैं वो भी हमें इस सिलेबस से जानकारियाँ मिलेगी। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हमारा सिलेबस बहुत ही बेहतरीन है विद द टेक्निकल और विद द प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमें एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करना है ताकि हम जब टेलीविजन फील्ड में जाए या फिल्म फील्ड में जाए या प्रोफेशनल तौर पर हम काम करें तो हम एक अच्छे कुशल अपना आउटपुट दे सके। तो यही मेन मकसद होता है सिलेबस का कि एक अच्छे से अच्छी चीज़ों को कवर करके आपको प्रोफेशनल तौर पे तैयार करना, ये होता है। अब हम बात करते हैं कि हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो मॉड्यूल 4 का साउंड चैप्टर है। पिछले लेक्चर में हमने जो बात किया था वो साउंड था कि साउंड क्रिएट कैसे होता है, साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, टाइप ऑफ साउंड क्या है, फिर साउंड के वेवलेंथ क्या होते हैं, हर्ट्ज क्या होते हैं, पिच क्या होते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में उस इन्फॉर्मेशंस को आप वो वीडियो लेक्चर्स को देखें तभी आप समझ सकते हैं। बीच में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को कि अगर बीच में किसी भी पार्ट्स में अगर आप वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से और एक सीक्वेंस फॉर्मेट में अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आता है कि टेलीविजन्स जर्नलिज्म एंड प्रोडक्शंस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो टेलीविजन जर्नलिज्म्स प्रोडक्शंस इम्पॉर्टेंट, इसमें देखिए आप तीन चीज़ों की स्टडी करते हैं, पहला टेलीविज़न को, दूसरा जर्नलिज्म को और तीसरा प्रोडक्शंस को। यानी टेलीविज़न के जो एक टेक्निकल
और नॉन टेक्निकल फॉर्मेट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर टेलीविजन्स को प्रोडक्शन से जोड़ते हैं कि प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शंस में टेलीविजन्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है वो है जर्नलिज्म। तो टेलीविजन्स क्या है, एक सेंटर है जिसके थ्रू हम एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल है जो अपने जर्नलिज्म और प्रोडक्शंस के आउटपुट को हम टेलीविजन्स के मीडियम से दिखाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस सिलेबस को अच्छे से कवर करें। अब हम आगे बढ़ते हुए पिछले वीडियो लेक्चर्स को हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि आज हम किस किस चीज़ों को करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डायनेमिक माइक्रोफोन की बात की थी, डायनेमिक माइक्रोफोन के स्ट्रक्चर, माइक्रोफोन काम कैसे करता है यानी माइक्रोफोन के फंक्शंस, व्हाट इज़ माइक्रोफोन पर हमने बात किया था कि उसके बाद डायनेमिक माइक्रोफोन कैसे, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न हैं, उसके मैकेनिज्म हैं, उसको भी हमने समझने की कोशिश किया था। इसके साथ ही हमने उसके जो सिग्निफिकेंट्स हैं उसको भी हमने समझने की कोशिश किया था डायनेमिक माइक्रोफोन के। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि डायनेमिक माइक्रोफोन को मैं एक उसके अंदर एक मैग्नेट होता है और मैग्नेट के चारों तरफ जो होते हैं वो क्वाइल लगे होते हैं और उस मैग्नेट और क्वाइल्स के आगे में एक डायफ्राम लगे होते हैं जहाँ से साउंड जो है वो पूरी तरह से फिल्टर्ड होकर अंदर जाते हैं। जैसे ही साउंड अंदर जाता है उसके, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, वो क्वाइल में साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब चूंकि मैग्नेट लगा है तो मैग्नेट जो है साउंड की क्वालिटीज़ को पूरी तरह से कैप्चर्ड करता है चारों तरफ से। इसके साथ ही बहुत 20 हर्ट्ज से भी नीचे के जो वेव लेंथ है साउंड के उसको भी वो कैप्चर्ड कर लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसके साथ ही उसमें बहुत वॉइस क्लियर होते हैं, बहुत साफ़ आवाज़ आती है, जो आपके एनवायरनमेंट में छोटी से छोटी जो एम्बियंस है उसको भी वो कैप्चर्स करते हैं। बहुत सेंसिटिव माइक होता है, इसको कैरी करना बहुत आसान होता है। इसके साथ ही डायनेमिक माइक्रोफोन के लिए कोई एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे बैटरी या कोई ऐसे कुछ ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है जिसके लिए हमें उसको ऑपरेट करने के लिए कोई ऐसा इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था डायनेमिक माइक्रोफोन के थोड़ी सी मैंने आपको ब्रीफ बताया था। अगर विशेष आपको जानकारी चाहिए तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा डायनेमिक माइक्रोफोन पर ही हमने एक लेक्चर तैयार किया, उसको आप देख सकते हैं। अब हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है रिबन माइक्रोफोन। आपको मैं बता दूं कि जो माइक्रोफोन थे उसके चार टाइप्स थे। पहले टाइप जो थे वो था डायनेमिक और दूसरा था रिबन माइक्रोफोन। तो रिबन माइक्रोफोन को चलिए समझते हैं। रिबन माइक्रोफोन इज़ अ टाइप ऑफ डायनेमिक माइक्रोफोन दैट यूजेस थिन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग रिबन प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। रिबन माइक्रोफोन आर टिपिकली बिट डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, दे पिक अप साउंड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द माइक्रोफोन एंड फ्रॉम द रियर बट नॉट द साइड 90 डिग्रीज एंगल। अब रिबन माइक्रोफोन जो होते हैं वो डायनेमिक माइक्रोफोन की ही तरह काम करते हैं। रिबन माइक्रोफोन इस टाइप ऑफ डायनेमिक माइक्रोफोन यूजेज इन थिन, ये बहुत पतला होता है, इसके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं अंदर में बहुत पतले माइक होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न। इसके साथ ही प्लेस बिटवीन द पोलर्स ऑफ द मैग्नेट, रिबन माइक्रोफोन आर टिपिकली बाई डायरेक्शनल, यानी ये चारों तरफ से 360 रोट है ये कैप्चर नहीं करते हैं, बाई डायरेक्शनल होता है, यानी जो फ्रंट टू जो 90 डिग्रीज पे उसके एंगल होते हैं उसी एंगल में वो कैप्चर करते हैं साउंड के। ये रिबन माइक्रोफोन का खासियत है और हर माइक्रोफोन का अपना एक क्वालिटीज़ है और उसी क्वालिटीज़ के पर जो है वो उसको हम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अलग अलग सिचुएशन के लिए हम अलग अलग माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। अब आप आते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्ट क्या है, इसके गुण क्या है। दे हैव अ रिलेटिवली फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ये बहुत ही फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस करते हैं। दे हैव वेटर हाई फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू डायनेमिक माइक्रोफोन,
इसके जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कंपेरिजन्स टू डायनेमिक के, दो डोंट नीड इंटरनल और एक्सटर्नल पावर टू ऑपरेट। इसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर सम वॉट एंड फ्रिगल्स एंड रिक्वायर केयर वाइल ऑपरेटिंग, दे आर मॉडरली इन एक्सपेंसिव। इसको भी ऑपरेट करने के लिए कुछ खास ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, और इसको भी मॉडरेट करने के लिए कुछ कह सकते हैं कि एक बहुत सिंपल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर मोटे तौर पर इसको समझे तो। इसके साथ ही ये महंगा नहीं होता है, ये सबसे खास बात है। तो डायनेमिक माइक्रोफोन में क्या था कि वो 360 एरिया को कवर कर रहा था, हमारे 20 हर्ट्स से भी नीचे के जो साउंड थे जो वाइब्रेशंस थे उसको भी कैप्चर कर रहे थे। लेकिन रिबन माइक्रोफोन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो सिर्फ 90 डिग्री से एंगल के ही साउंड को कैप्चर्स कर पाता है। सपोज़ करिए ये पेन है और पेन को आप जब ऐसे बोल रहे हैं रिबन माइक्रोफोन में, तो ये जो हमारा सामने वाला जो पार्ट है, ये जो सामने वाला पार्ट है यही पार्ट से जो है हम इस को कैप्चर करता है। तो ये बहुत बड़ा इसके इम्पोर्टेंट्स अलग होते हैं। जैसे आप किसी के बाइट लेने जाते हैं न्यूज़ टेलीविजन्स में, तो खासकर रिबन या जो एंकर होते हैं वो रिबन माइक्रोफोन यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत डोमिनेंट होकर बोला जाता है, तो उस फोकस्ड होकर बोलना होता है, उनको एम्बियंस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होता है एक एंकर के लिए, तो इसलिए रिबन माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही जो हम बाइट लेने जाते हैं, तो जिसका बाइट ले रहे हैं तो इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि उसके बाइट्स जो है इम्पॉर्टेंट है, उसके एम्बियंट साउंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम रिबन माइक्रोफोन का बहुत लोग यूज़ करते हैं कि वो 90 डिग्रीज पर जहाँ बाइट्स माउथ और बोलने और जो माइक के बीच का कनेक्शन है वो 90 डिग्रीज के आसपास एंगल बनाते हैं। तो ये माइक्रोफोन का क्वालिटीज़ होता है। साथ ही जो इसके जो कैरेक्टरिस्ट होते हैं वो बहुत, सबसे पहली बात कि बहुत सस्ता होता है, बहुत चीप होता है, इसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है इंटरनल और एक्सटर्नल तौर पर, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा तीसरा जो है ये अगर हम डायनेमिक माइक्रोफोन से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ के ये रिबन माइक्रोफोन माने जाते हैं। इसके साथ ही इसकी जो फ्रिक्वेंसीज होती है बहुत फ्लैट फ्रीक्वेंसीज रिस्पॉन्स होता है, मतलब जैसा है, और उससे मतलब बहुत क्लियर वो आवाज़ को कैप्चर्स करता है। अब देखिए ये रिबन माइक्रोफोन है। अब ये माइक्रोफोन्स एप्लीकेबल इंक्लूड यानी माइकिंग केबल्स, माइकिंग बस, माइकिंग पियानो, इलेक्ट्रिकल गिटार एंड एकॉस्टिक गिटार एंड ब्रास इंस्ट्रूमेंट। इसका यूज जो होता है ये डिफरेंट जगहों पे किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटल खासकर प्ले करने में रिबन माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये बहुत सेंसेटिव होता है और 90 डिग्रीज पर होता है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी म्यूज़िक में 90 डिग्रीज उनको माइक टू जो माउथ है उनको क्लियर और क्लियर और क्लिस्ट आवाज़ चाहिए, वॉइस चाहिए, तो उसके लिए रिबन माइक्रोफोन जो होता है बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। अब ये हम इसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिबन डायनेमिक माइक्रोफोन को जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर्स पैटर्न में आपको बताया था कि एक मैग्नेट होता, एक ये बॉडी होता था, उसके अंदर एक मैग्नेट होता है, फिर कॉइल होता था डायनेमिक में, लेकिन ये जो है ये पूरी उसमें एक मैग्नेट के रॉड होते थे, लेकिन रिबन में जो होती है ये पूरे मैग्नेट होते हैं। तो ये जो आवाज़ का क्वालिटी है इसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही इसमें रिबन लगे होते हैं, उसमें क्वाइल होता था, इसमें रिबन होते हैं यानी पत्ती लगी होती है, उसमें जो होते हैं क्वाइल यानी लपेटे होते थे क्वाइल, और इसमें एक रिबन होते हैं, और जो रिबन जो कनेक्ट होते हैं वो ट्रांसफार्मर यानी इलेक्ट्रिकल साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसके इसकी जो प्रॉपर्टी रिबन और डायनेमिक को अंतर करता है कि यहाँ पर जो जो
मैग्नेट है उसके ये यहाँ पे रड नहीं होते हैं बल्कि रिबन में ये यू शेप के रड होते हैं, चारों तरफ इनके मैग्नेट होते हैं और बीच में रिबन होते हैं। लेकिन डायनेमिक में बीच में मैग्नेट होते थे, उसके चारों तरफ क्वाइल होते थे और वो वॉइस को कैप्चर करते थे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, अगर हमें डायनेमिक और रिबन माइक्रोफोन को कहा जाए कि दोनों में अंतर क्या है, तो आप साफ तौर पर ये अंतर को बता सकते हैं कि डायनेमिक माइक्रोफोन में जो होता है वो मैग्नेट, वो बीच में एक मैग्नेट का रॉड होता है, उसके चारों तरफ क्वाइल होते हैं, आगे में डायफ्राम होता है जो आवाज़ को पूरी तरह से बिल्डअप करके वो अंदर भेजता है। इसके साथ ही वो साउंड एनर्जी को जब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो साउंड को की जो क्वालिटीज़ है बहुत ज़्यादा वो क्लियर करते हैं, बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं, 20 हर्ट्ज़ से भी नीचे के साउंड को पूरी तरह से वो कैप्चर कर सकते हैं। ये डायनेमिक माइक्रोफोन का फीचर है। लेकिन अगर आप रिबन माइक्रोफोन को देखेंगे तो उसके चारों तरफ, ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये इसके चारों तरफ जो है वो मैग्नेट हैं लगे हुए और बीच में जो है वो रिबन है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये बहुत सेंसेटिव होता है, ये बाईडायरेक्शनल होता है, ये 90 डिग्री पर ही चीज़ों को कह सकते हैं कि पिकअप करता है साउंड को, उसके बाद इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बाहर भेज देता है। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब है कंडेंसर माइक्रोफोन। कंडेंसर माइक्रोफोन आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकली चार्ज डायफ्राम बैक प्लेट असेंबली विच फ्रॉम द साउंड सेंसिटिव कैपेसिटी। ऑल कंडेंसर माइक्रोफोन नीड टू बी पावर्ड इधर द बैटरीज इन द माइक्रोफोन और फैंटम पावर प्रोवाइडेड बाय द मिक्सर। कंडेंसर आर मोर सेंसिटिव एंड कैन प्रोवाइड अ स्मूथर मोर नेचुरल साउंड पर्टिकुलर अ हायर फ्रीक्वेंसीज। कैपेसिटर्स माइक्रोफोन ऑल्सो नोन एज द कंडेंसर माइक्रोफोन रिक्वायर इन बैटरी और सम अदर सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल पावर। यूजिंग द कैपेसिटर माइक्रोफोन विल गिव ए स्ट्रॉन्ग ऑडियो सिग्नल देन डैट ऑफ अ डायनेमिक माइक्रोफोन। द टाइप ऑफ माइक्रोफोन्स आर ऑल्सो मोर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव देन द डायनेमिक माइक्रोफोन्स। They make them the best choice of microphone when it's come to recording subtitle element in sound. However, due to their the sensitivity, they are not the right choice of microphone for high volume recording as they are likely to distort. तो कंडेंसर माइक्रोफोन के को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हमें किसी न किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही इसको ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है, इसको ऑडियो मिक्सर से शायद कनेक्ट किया जाता है। इसके साथ ही इस माइक्रोफोन को जो यूज़ है वो बहुत ही कह सकते हैं कि अलग 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 सिचुएशंस के लिए अलग अलग जो हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं उसी तरह कंडेंसर का भी हम यूज़ करते हैं। इसको कंडेंसर माइक्रोफोन आर यूज इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्राइव फ्रॉम बैक टू प्लेट असेंबली फ्रॉम द सेंसिटिव कैपेसिटर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सेंसिटिव कैपेसिटर लगे होते हैं और इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ ही इसमें बैटरी या कोई ऑडियो मिक्सर्स के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद कंडेंसर्स आर मोर सेंसिटिव कैन प्रोवाइड द स्मूथर मोर नेचुरल साउंड एट पर्टिकुलर हायर फ्रीक्वेंसीज। इसमें साउंड की जो क्वालिटी होती है बहुत स्मूथ होती है और हाई फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर ये कर सकती है कंडेंसर माइक्रोफोन। कैपेसिटर्स माइक्रोफोन ऑल्सो नोन एज द कंडेंस माइक्रोफोन रिक्वायर इन बैटरी और मोर अदर सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल पावर। तो कंडेंसर माइक्रोफोन फोन को ऑपरेट करने के लिए हमें पावर की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही दिस टाइप ऑफ माइक्रोफोन आर ऑल्सो सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव डायनेमिक माइक्रोफोन। इस तरह के माइक्रोफोन को सेंसिटिव और डायनेमिक माइक्रोफोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही साउंड को बहुत छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी के साउंड को ये कैप्चर्स करते हैं। इसके साथ ही जो ये डायनेमिक माइक्रोफोन के ही तहत ये जो होते हैं वर्क करते हैं, इसलिए इसको सेंसिटिव और बहुत रिस्पॉन्सिव कंडेंसर माइक्रोफोन का यूज़
माना जाता है. दिस मेक द बेस्ट चॉइस ऑफ माइक्रोफोन व्हेन इट्स कम रिकॉर्डिंग वाइल्ड एलिमेंट इन साउंड. ये बहुत अच्छा माना जाता है रिकॉर्डिंग जब आप कर रहे होते हैं तो कंडेंसर माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहली बात है कि इसको ऑपरेट करने के लिए हमें किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी तो बैटरी नहीं तो इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत होती है. दूसरा, ये बहुत सेंसेटिव होता है. तीसरा, इसके जो कैप्चर्स है, जो पिकअप है, वो भी बहुत ही सेंसेटिव होता है, तो इसलिए कंडेंसर माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है. अब दिस टाइप ऑफ माइक्रोफोन वर्क हैविंग टू प्लेट्स विद द वोल्टेज बिटवीन देम. वन ऑफ प्लेट इज मेड ऑफ एक्सटर्नली लाइट मटेरियल दैट विल बी एक्ट एज द डायफ्राम. व्हेन हिट बाय साउंड वेव डायफ्राम विल वाइब्रेट एंड चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस कंसिक्वेंटली चेंजेस द कैपेसिटर. अब इस तरह के माइक्रोफोन को आप देख सकते हैं कि ये जो है वो डायनेमिक माइक्रोफोन की तरह तरह ही इसके स्ट्रक्चर्स है, लेकिन कंडेंसर माइक्रोफोन जो होते हैं वो रिकॉर्डिंग में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसके जो क्वालिटीज़ है बहुत अच्छी मानी जाती है. ये बहुत लो फ्रिक्वेंसीज को भी साउंड को बहुत अच्छे से कैप्चर्स करते हैं. ये बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए हमें किसी एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बैटरी की ज़रूरत होती है. अब है इसके कैरेक्टर्स. दे हैव एक्सटेंडेड हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. ये हाई और लो फ्रीक्वेंसीज दोनों को रिस्पॉन्स करते हैं, कैप्चर्स कर सकते हैं. गुड वंस आर समटाइम एक्सपेंसिव. गुड वंस मतलब ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, ये महंगा माइक्रोफोन होता है. दे रिक्वायर इधर इंटरनल और एक्सटर्नल पावर. इसको ऑपरेट करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होती है, जैसा मैंने बताया था. लार्ज डायफ्राम मॉडल्स कैन बी रिलेटिवली बल्की. इसमें लार्ज जो है डायफ्राम को यूज़ किया जाता है ताकि जो साउंड है वो पूरी तरह से कैप्चर हो सके, छोटे से छोटे जो साउंड की जो वेवलेंथ है उसको भी हम कैप्चर कर सकते हैं. लो कॉस्ट मॉडल कैन बी सफ़र फ्रॉम पुअर और इनकंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर्स इफेक्ट परफॉर्मेंस. यानी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर्स पर जो है इसके परफॉर्मेंस इफेक्ट कर सकते हैं. तो ये बहुत सेंसिटिव माइक्रोफोन होता है, इसको यूज़ बहुत ही कह सकते हैं कि संभाल कर किया जाता है, बहुत केयरफुल किया जाता है. अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो फिर आपका जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड आपका ख़राब हो सकता है. इसलिए इसको यूज़ करने के लिए इससे पहले इसकी क्वालिटीज, उसको कैरेक्टरिस्ट को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. अब एक कंडेंसर माइक्रोफोन को स्ट्रक्चर्स देखिए. ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं. अब जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो पिछले जो हमने आपको रिबन माइक्रोफोन और डायनेमिक माइक्रोफोन का स्ट्रक्चर्स दिखाया था, वो कंडेंसर माइक्रोफोन जो है बिल्कुल अलग है. इसमें जो ये चारों तरफ देख रहे हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, और इसके अंदर एक डायफ्राम लगा हुआ है, यानी प्लेट लगा हुआ है जो साउंड्स को कैप्चर्स बहुत सेंसिटिव तौर पर करता है. इसके साथ ही यहाँ पर एक अलग प्लेट लगी हुई है, फिर यहाँ पर एनर्जी कन्वर्टर है, फिर ये आउटपुट है, फिर बैटरी लगी होती है हमें इस कंडेंसर माइक्रोफोन में. तो ये माइक्रोफोन जो होता है हर हिसाब से कह सकते हैं कि बहुत ही यूज़फुल होता है, और सामान्य तौर पे ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसके जो क्वालिटीज़ भी होती है बहुत बेहतर होती है. अब आप इस पिक्चर्स को देखकर समझिए कि इस पिक्चर में जो साउंड जा रहा है, पास हो रहा है, फिर यहाँ से पास होकर डायफ्राम से पास होकर ये यहाँ कॉइल तक पहुँचते हैं और फिर ये साउंड की क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं. तो ये कंडेंसर माइक्रोफोन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अब है मैं ये आज के से लेक्चर सेशन में बस इतना ही, लेकिन आपको पता है कि मैं हर लेक्चर को सेशन एंड करने से पहले मैं एक बार रिमाइंड करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें. अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर आप हमारे हमसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं. तो चलिए पहले एक बार फिर रिमाइंड करते हैं ताकि हमने जो स्टडी किया है वो अच्छे से समझ सके. तो हमने रिबन माइक्रोफोन
का आज जो हमने वीडियो लेक्चर्स में अपने इस सेशन में जो हमने जानकारियाँ आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था वो था रिबन माइक्रोफोन। रिबन माइक्रोफोन ये माइक्रोफोन इज़ ए टाइप ऑफ डायनेमिक माइक्रोफोन। इसमें लेकिन रिबन का यूज़ होता है और डायनेमिक में कॉइल का यूज़ होता है। ये बहुत कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल होता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये 90 डिग्री पर चीज़ों को आवाज़ को ही रिकॉर्ड करता है। तो ये रिबन माइक्रोफोन का क्वालिटी है। अब इसके स्ट्रक्चर्स हैं, दे हैव रिलेटिव फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, दे हैव बेटर हाई फ्रिक्वेंसी कंपेयर टू डायनेमिक माइक्रोफोन, दे नीड इंटरनल और एक्सटर्नल पावर टू ऑपरेट, दे सम टाइम फ्रिगल्स एंड रिक्वायर केयर वाइल्ड ऑपरेटिंग, मॉडरेटली इन एक्सपेंसिव। तो ये बहुत सस्ता होता है, इसको ऑपरेट करने के लिए हमें किसी इलेक्ट्रिकल या कोई बैटरी एनर्जी से बाहर एक्सटर्नल या इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही इसके जो फ्रीक्वेंसी होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये रिबन माइक्रोफोन का हमने स्टडी किया था। इसके बाद जो हम लोगों ने इस पर रिबन माइक्रोफोन के यूजेस के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे रिबन माइक्रोफोन के जो कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पता ही होगा रिबन माइक्रोफोन का यूज़ जो है वो मेकिंग द बेस बनाने में, मेकिंग पियानो बनाने में, या माइकिंग को जो सिंबल्स कैनवल्स है उसको इलेक्ट्रिकल गिटार, एकॉस्टिक गिटार एंड ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ों में जो है हम रिबन माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। अब रिबन माइक्रोफोन के स्ट्रक्चर्स को देखिए। रिबन माइक्रोफोन में स्ट्रक्चर्स में इस तरह के पैटर्न बने होते हैं। मैग्नेट होता है, मैग्नेट में एक रिबन के रड डाले होते हैं, फिर इसको कनेक्ट जो है वो बाहर से किया जाता है और ये आउटपुट जो है ये इलेक्ट्रिकल साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है। तो ये रिबन माइक्रोफोन के क्वालिटीज़ हैं। अब कंडेंसर माइक्रोफोन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंडेंसर माइक्रोफोन होता क्या है। तो आप इस जो आपके सामने में जो तस्वीर है उसमें देखिए कि इसमें जो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं क्योंकि ये अगर आप लोग नोट कर लेते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। तो एक बार आप लोग ध्यान से देखें। आई होप इस पिक्चर को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि कंडेंसर माइक्रोफोन क्या होता है। फिर भी मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसे एक बार जरूर रीड करता हूँ। कंडेंसर माइक्रोफोन आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकली चार्ज डायफ्राम बैक प्लेटेड असेंबली विच फ्रॉम अ साउंड सेंसिटिव कैपेसिटर। ऑल कंडेंसर माइक्रोफोन नीड टू बी पावर्ड इधर बाई बैटरीज इन द माइक्रोफोन और बाई द फैंटम पावर प्रोवाइडेड बाई मिक्सर। कंडेंसर आर मोर सेंसिटिव एंड कैन प्रोवाइड अ स्मूथर मोर नेचुरल साउंड पर्टिकुलरली हाई फ्रीक्वेंसीज। कैपेसिटर माइक्रोफोन्स ऑल्सो नोन एज द कंडेंसर माइक्रोफोन रिक्वायर अ बैटरी और सम अदर सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल पावर। यूजिंग कैपेसिटर माइक्रोफोन विल गिव ए स्ट्रॉन्गर ऑडियो सिग्नल देन डैट ऑफ द डायनेमिक माइक्रोफोन। द टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन आर ऑल्सो मोर सेंसिटिव मोर रिस्पॉन्सिबल डायनेमिक माइक्रोफोन। दिस मेक देम द बेस्ट चॉइस ऑफ माइक्रोफोन व्हाट इट कम्स टू रिकॉर्डिंग सबटाइटल एलिमेंट इन साउंड। हाउएवर ड्यू टू देयर सेंसिटिविटी दे आर नॉट टू राइट चॉइस ऑफ माइक्रोफोन फॉर हाई वॉल्यूम रिकॉर्डिंग एज दे आर लाइकली टू डिसऑर्ड। तो ये कंडेंसर माइक्रोफोन है। अब आप इसको देख सकते हैं। इसके कैरेक्टर की बात करेंगे, दे हैव एक्सटेंडेड हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। गुड वंस आर समटाइम एक्सपेंसिव, दे रिक्वायर इधर एक्सटर्नल और इंटरनल पावर। द लार्ज डायफ्राम मॉडल कैन बी रिलेटिवली बल्की, लो कॉस्ट मॉडल कैन सफर फ्रॉम पुअर और इनकंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एंड इफेक्ट। इसके बाद कंडेंसर माइक्रोफोन जो है वो के स्ट्रक्चर्स को आप देखिए।
अब इस स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके जो चारों तरफ के जो बने हैं वो ब्लैक प्लेट से बने हैं, ठीक है। इसके बाद जो उसके अंदर जो कॉइलें हैं उसमें सबसे पहले डायफ्राम बने हैं, उसके फिर अंदर में जो है ये बैटरी लगी हुई है, फिर इसके अंदर में जो है उसके कॉइल और जो साउंड्स को कैप्चर्स करने के लिए वो है। तो कंडेंसेंस माइक्रोफोन के यही स्ट्रक्चर है। तो आज के वीडियो लेक्चर सेशन में बस इतना ही। हम अगले सेशन में किसी और चीज़ पर हम तो आज हमने इस लेक्चर्स के थ्रू ये समझने की कोशिश किया कि किस तरह से जो साउंड है, साउंड के जो क्वालिटीज़ हैं, साउंड का जो टाइप्स हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो इसके साथ ही हमने टाइप्स ऑफ जो माइक्रोफोन हैं उसके बारे में भी हमने जानकारियाँ प्राप्त की। और एक बार जो हम ये आप लोगों को बार बार ये कहते हैं कि आप लोग घर पे भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें कि हमें साउंड्स के जो टाइप्स हैं वो किस तरह से फंक्शनल होते हैं, तो उसको भी आप लोग यूट्यूब पर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। हालांकि साउंड का जो टाइप्स है, माइक्रोफोन के जो टाइप्स है वो बहुत ही कह सकते हैं कि हमें बहुत जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टेलीविजन्स दुनिया में वर्ल्ड में जाएंगे या फिल्म वर्ल्ड में जाएंगे तो ये आपका लिए बहुत ज़्यादा जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन सा माइक्रोफोन कौन से चीज़ों के लिए, सिचुएशंस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप न्यूज़ में काम कर रहे हैं तो न्यूज़ में कौन सा माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ होगा या डायनेमिक होगा या रिबन होगा, ये आपको सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। अगर आप बाइक ले रहे हैं तो डायनेमिक माइक लेके जा रहे हैं या रिबन माइक लेके जा रहे हैं, तो ये कौन से माइक को यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ ही जो माइक्रोफोन के जो फंक्शन है उसको भी जानना ज़रूरी होता है। कभी कभी मतलब थोड़ा सा एक टेक्निकल तौर पर भी आपको तैयार होना होगा। ये तो आप कह सकते हैं कि आपको जानकारी है, लेकिन उसके फंक्शंस कैसे, उसके मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको अच्छे से ऑप्ट करें। तो आज जो हमने जिस चीज़ों पर आज हमने लेक्चर्स आप लोगों को दिया उस वो था टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन, जिसमें कि हमने रिबन माइक्रोफोन, डायनेमिक माइक्रोफोन पे हम लोगों ने चर्चा किया है। इसके साथ ही जो माइक्रोफोन के सिग्निफिकेंट हैं, फीचर्स हैं, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम फिर लेकर आएंगे आपके साथ एक अलग कह सकते हैं कि जो साउंड का जो एक प्रॉपर्टीज़ है उसको लेकर हम आएंगे। और इसके साथ ही हाँ, दूसरी नंबर चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि इस सिलेबस को फिर मैं एक बार आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि जो ये डायग्राम है कंडेंसर माइक्रोफोन के, और ये रिबन माइक्रोफोन के, और सॉरी हाँ रिबन माइक्रोफोन के जो स्ट्रक्चर्स पैटर्न है इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने डायनेमिक माइक्रोफोन के का मैंने स्ट्रक्चर्स पैटर्न आप लोग को बताया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर्स पैटर्न को जानना, क्योंकि इन फ्यूचर्स जब आप फील्ड में जाएंगे तो अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो बहुत सारे तमाम तरह के क्रिएट उत्पन्न हो जाते हैं। और एज ए स्टूडेंट्स हम लोगों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिबन माइक्रोफोन के स्ट्रक्चर्स क्या, उसके फंक्शंस क्या है, वो कहाँ काम कैसे काम करता है, ये किस क्वालिटी व इसकी क्वालिटी वर्क क्या है। तो इसके जब तक फंक्शन को नहीं जानेंगे तब तक इसकी क्वालिटीज़ को भी हम लोग नहीं समझ सकते हैं। दूसरी नंबर चीज़ पे हम लोग आते हैं कि जो कंडेंसर माइक्रोफोन है, तो आप इसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न को देखिए।
तो इसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले कोई ना कोई एनर्जी की ज़रूरत है, चाहे बैटरी चाहे इलेक्ट्रिकल आउटर जो ऑडियो सिग्नल है वो जान देने की बहुत ज़रूरत है। बिना विदाउट एनर्जी ये ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें देख रहे हैं, इस डायग्राम में बैटरी लगा हुआ है, डायफ्राम लगा हुआ है, बैक प्लेट लगा हुआ है ये। इसके बाद यहाँ पे जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट लगा हुआ है, तो यहाँ से साउंड वेव जाता है, फिर यहाँ पर साउंड क्रिएट होता है, फिर ये साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये बाहर भेजता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी मानी जाती है। इसका यूज़ जो होता है कंडेंसर माइक्रोफोन का, खासकर रिकॉर्डिंग जो फिल्म के गाने रिकॉर्ड सब होते हैं, कंडेंसर माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसके साथ ही जो कह सकते हैं ओमनी डायरेक्शनल होता है, ये चारों तरफ से जो है ये वॉइस को कैप्चर्स करता है, लेकिन रिवन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपको माना जाता है। तो इसलिए दो स्ट्रक्चर्स पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, कंडेंसर, रिवन एंड डायनेमिक। तीनों को स्ट्रक्चर्स पैटर्न को बहुत अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो समझ लीजिए माइक्रोफोन के आपने जो आधा वर्क है आपने कर लिया, बाकी जो सिग्निफिकेंट है और इसकी यूसेज है तो वो तो आपको पता हो चल ही जाता है। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए धन्यवाद।